सलाम का जवाब तो सिर्फ आगे से है, पीछे से सलाम का जवाब नहीं है। तो सबने एक आवाज में मिल के सलाम का जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सब ठीक है? अल्लाह ताला आपको ठीक रखे और आपके जिस्म में जो भी मिसाइल है अल्लाह ताला आपको उसमें शफायाबी नसीब फरमाए, आमीन। मेरा नाम अहमद बिलाल है और मैं खन्ना पुल सेंटर में एज ए मैनेजर फ्राइज सर एग्जाम दे रहा हूँ और आज आपके सेंटर में मेरा दूसरा विजिट है। लेकिन आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद क्या है, किसी को पता चले? कौन बताएंगे? मुझे नंबर मिले। हमारे आज यहाँ पे आने का मकसद क्या है? आज कौन सा दिन है? एक आवाज में बताएं आज कौन सा दिन है? 100 साल सेहतमंद दोस्ती का आज दिन है और उस सिलसिले में हमारा आपके सेंटर में आज दूसरा विजिट है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लेडीज और जेंट्स सार्फिक मौजूद हैं, तो इस सेंटर में जब भी मैं आता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। उसकी वजह क्या है, वो वजह यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहले तो ये कि सर जिस सेंटर में ये जो फितने का जो सिलसिला है मैंने स्टार्ट किया, इसका जो आगाज़ किया तो सर तोहीद साहब हैं, इनकी सरबराही में किया और इनके साथ जो शख्सियत खड़ी हैं सर जफर साहब, सर तोहीद साहब और सर जफर साहब ये मेरे उस्ताद हैं। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, अभी इंशाल्लाह बहुत कुछ और भी सीखना है। तो एक दफ़ा आपसे गुजारिश है कि इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। जोरदार अब आते हैं अपने इवेंट की तरफ। कुछ सवाल जो आपसे पूछूंगा तो आप सामने एक आवाज में बुलंद आवाज में सवाल का जवाब देना है और खास रूप में जो साथी पीछे बैठे हुए हैं आपकी आवाज जो फ्रंट पे बैठे इनसे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले तो ये कि जिस कंपनी में आप लोग मौजूद हैं इस कंपनी का नाम सबको आता है? एक मिनट, सबको नाम आता है? हाँ जी के ना जी, हाँ जी के ना जी। अब आपने एक आवाज में और बुलंद आवाज में कंपनी का नाम बताना है, ठीक है? इस कंपनी का नाम क्या? इस कंपनी का नाम क्या? सरजिम। सरजिम का मतलब भी आपको पता है कि लव सर्विस एंड काइंडनेस, इनके प्यार मोहब्बत और खुशियां बांटना। यहाँ पे प्यार मोहब्बत और खुशियां बांटी जा रही है कि नहीं बांटी जा रही है? तो ये मेरे साथ जो टीम है इनको कैसे पता चलेगा? सरजिम का मकसद भी यही है कि प्यार मोहब्बत और खुशियां बांटना। यहाँ पे जितने भी साथी नाते हैं सबके साथ प्यार मोहब्बत खुशियां बांटी जाती हैं। लेकिन साथ साथ ये कि ये जो सरजिम सेंटर है ये एक इदारे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और यहाँ पे एक पोस्टर है, एक बैनर यहाँ पे लगा हुआ है जिसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरजिम इदारा है। सरजिम इदारा है दोस्त बनाने का, सरजिम इदारा है दोस्त बनाने का, सरजिम इदारा है। दोबारा पूछता हूँ शुरू से, सरजिम इदारा है? सरजिम इदारा है? सरजिम इदारा है? तो फिर आपने नहीं तालियां बजा दे जोरदार। ये आपको किसने बताया? सरजिम जो इदारा है दोस्त बनाने का, सेहत हासिल करने का, सुकून हासिल करने का, ये आपको किसने बताया? किसने? वालिया किधर है? तो फिर इनके भी तालियां बजा देना होगा। लेकिन ये जो 100 साल सेहतमंद दोस्ती का ये जो इवेंट है ये हम मनाते ही क्यों है, इसकी क्या वजह? इसलिए सेहत के लिए। बहुत अहम बात बोली आपने, इसके मुताबिक थोड़ी सी बात करते हैं कि जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे घर में माहौल क्या होता है कि घर में कोई ना कोई अफराद ऐसे होते हैं कि जो किसी देने के लिए यहाँ पर मौजूद थे, पीछे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे एक लेडी साथी थी जिन्होंने एक वेलकम सॉन्ग यहाँ पे किया था, वो कहाँ पर है? उनसे गुजारिश की हम यहाँ पे हम स्टेज पर है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? बिल्कुल ठीक हूँ।
आपको मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा है क्योंकि मेरा ये सेंटर में दूसरा विजिट है, लेकिन आपने जो वो वेलकम सॉन्ग यहाँ पे हमारे लिए पेश किया जितने भी मेहमान के लिए, तो लास्ट में आपने एक और किया था वो जो दूसरा कस्टमर डे का सॉन्ग प्यारा है, प्यारा है, प्यारा है, प्यारा है, प्यारा है, प्यारा है, प्यारा टीके लगवाने पड़ते थे, जब खत्म नहीं होता फिर टीकों का असर होता तो ठीक था, जब खतर टीकों का असर खत्म होता है शुरू हो जाता अभी इंशाल्लाह। यहाँ पे थेरेपी को इस्तेमाल करके बेहतरी महसूस हो रही है, फायदा हो रहा है, तो आप खुद तो आ रहे हैं माशाल्लाह, बता रहे हैं कि मुझे अब डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, तो आप खुद तो आ रहे हैं, साथ साथ दूसरे साथियों को भी लाते हैं, उनको भी बताते हैं सर्जन लोगों को बताते हैं। जी जी अच्छा, तो अभी आपको मैं यहाँ पे गिफ्ट दूंगा, तो गिफ्ट क्या होगा, ये इस कंपनी का सेरेकोनिक स्टोन है, ये आपको इनाम के सूरत में दूंगा, तो इनके लिए तालियां बजा दें दो ना, तो ठीक है दो ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक है, दिल की धड़कनें तेज हो गई कि नहीं हुई, अभी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कर दूं दोबारा कि हमारा यहाँ पे आने का मकसद क्या था, कि जो सोशल दोस्ती का रिवॉर्ड है इस सिलसिले में आपके सेंटर में हमारा आज दूसरा तजिए का विजिट है, और इस हवाले से हम आपको आज नंबर दे के जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है जिस पे लिखा हुआ है सेंटर का माहौल, पहले जो आपको नंबर मिले 150 में से 112, पहले जब हम यहाँ पर सेंटर में आए थे तो आपको 150 में से 112 नंबर मिले, तो अब आपके कितने नंबर हो सकते हैं, 150 में से कितने हो सकते हैं, 140 जी, 150 में से कितने होने चाहिए, 140 में से 150, तो इसका मतलब अभी तक हम यहाँ पे ना आए, 140 दे दे, 10 अगली दफा, इस दफा आपके सेंटर को जो मिले हैं सेंटर के माहौल के जो नंबर हैं 150 में से वो कितने हैं बता दूं, मेरा बता दूं चले रहने दीजिए, अगली दफा से पहले बता देते हैं कि सेंटर के माहौल के आपको जो इस दफा नंबर मिले हैं 150 में से 130, यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंटर के मालिक की सोच, ये मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि सेंटर के जो मालिक है वो कौन है, इस सेंटर के मालिक 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 कौन है, मैं, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर के मालिक की सोच के जो आपके पिछले मेंबर थे 150 में से वो 109 और इस जमा कहते होने चाहिए, सेंटर के मालिक की सोच कैसी है, अच्छी है बहुत अच्छी है, तो इस लिहाज से आपकी जो मालिक की सोच ऑप्शन के जो नंबर है 150 में से, और इस जमा आपको मिले हैं 128
इसके नंबर सबसे ज्यादा है, लेकिन जिस तरह आप इस सेंटर के साथ ताउन करते हैं, भरपूर शिरकत करते हैं और आपका जो जोश रोश है माशाल्लाह काबिले दीद है, तो एक दफा आप अपने लिए ताली बजा देना चाहिए। जब पहला हमने विजिट किया आपके सेंटर में, तो आपके कस्टमर की शराकत के जो नंबर थे 300 में से वो 230 थे, लेकिन अब कितने होने चाहिए? 300 में से कितने होने चाहिए? 50? 250 जी। जो साथी वो पीछे बैठे हुए, आप बताएं 300 में से कितने नंबर होने चाहिए? लेकिन इस चीज को भी मद्देनजर रखिए कि हमने अभी जब आपके सेंटर में दोबारा आना है, 280, 250 और कोई बताए, 290 और 280, 300, जबरदस्त। लेकिन इस बार जो आपको नंबर मिले हैं 300 में से, वो कितने मिले हैं? 255। और इस तरह आपके जो टोटल नंबर बनते हैं आ गया जो आगे, वो कितने बन गए हैं? 513। निकल भी सामा 513 नंबर आपके टोटल बन गए हैं। बढ़िया, इकरा बहुत ही जबरदस्त, जोरदार तालियों से जोरदार। मुझे नहीं पता था कि ये भी मेरे पीछे खड़ा है, तो उन्होंने बिल्कुल पीछे आके जो ही मैंने टोटल नंबर अनाउंस किए, तो साथ ही ब्लास्ट हुआ, तो मैं डर गया। तो मैं जब नीचे हुआ तो मुझे पता चला कि सही ब्लास्ट में मैं साइड कार्नर पे खड़ा था, बिल्कुल पीछे थे। तो जब ब्लास्ट करें तो कोशिश से आके क्यों कर करें दिखा के नहीं, और करीब से आके करें पता ही ना हो यहाँ से रखा हो क्यों करके यहाँ पे ब्लास्ट करें, तो उसमें अफेक्ट सब होने चाहिए। तो आपने बताया ब्लास्ट भी आपने कर दिया, दोनों ने उसके ऊपर किया ब्लास्ट के लिए दो।